बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सेल रेफरेंसिंग के टॉपिक का आगाज किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज नेम रेंजेस। दोस्तों, नेम रेंजेस क्या है? जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई जगह हो, इसके अलावा कोई भी चीज हो, सबको कोई ना कोई नाम दिया जाता है। क्यों? ताकि आप उसको इजीली पहचान लें। बिल्कुल ऐसे ही स्प्रेडशीट्स में भी आप किसी भी एक सेल या फिर एक से ज्यादा सेल्स को कोई भी ह्यूमन रीडेबल नेम दे सकते हैं और फिर आप उन तमाम सेल्स को रेफर करने के लिए भी वही नेम यूज कर सकते हैं। जिस तरह पहले आप सेल एड्रेसेस को एज अ रेफरेंस यूज करते थे, अब आप उन नेम्स को एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक रेंज सिलेक्ट की है और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक नाम असाइन कर दिया, तो ये चीज कहलाती है नेम्ड रेंजेस। बिल्कुल ऐसे ही मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको एक नेम असाइन कर दिया। दोस्तों, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तमाम सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन तमाम सेल्स का मैं, यानी जो भी सेल हुई है, मैं उसका टोटल चाहती हूँ, उसका सम चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखूंगी अगर मैंने इसको नेम असाइन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये सोचें कि मैंने इसको ये सेल्स का नेम असाइन नहीं किया, तो अब अगर मैं इन तमाम सेल्स का सम चाहती हूँ तो मैं इसके लिए ये फॉर्मूला दूंगी, सम B2 से B10 तक। यहाँ लिखा हुआ है B1, जबकि मुझे यहाँ पर B2 सेल को लेना है, तो मैं यहाँ पर B2 से लेकर B10 तक के सेल्स में जो भी वैल्यूज है उनका सम करवा दूंगी। इस तरह से ये फॉर्मूला दूंगी। लेकिन नेम रेंजेस अगर मैंने अप्लाई की हैं, यानी मैंने अगर इन सेल्स को एक नेम असाइन कर दिया है, तो अब इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। यानी अब मैं यहाँ पर इन तमाम सेल्स को नहीं लिखूंगी, बल्कि इन सेल्स के लिए जो मैंने नेम असाइन किया है, मैं उस नेम को यहाँ पर एज अ रेफरेंस दूंगी। तो दोस्तों, ये चीज कहलाती है नेम रेंजेस, जिसमें हम सेल एड्रेसेस को एज अ रेफरेंस यूज नहीं करते, बल्कि जो हमने उन सेल्स को नेम असाइन किया है उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप दोनों फॉर्मूलास को देखें तो आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि सेकंड फॉर्मूले में क्या काम हो रहा है। यानी ये जो नेम रेंजेस का फीचर है, इससे देखने वाले को भी आसानी होती है कि आखिर वर्कशीट में काम क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको नहीं समझ आएगा कि भाई B1 से लेकर B10 के अंदर क्या वैल्यूज है जिनको हमें सम करना है, जब तक कि आप उन सेल्स तक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको देखते ही समझ आ रहा है कि भाई जो भी सेल्स का कॉलम है, उस कॉलम में पड़ी हुई वैल्यूज को प्लस करना है। तो यानी ये देखने वाले के लिए भी आसानी पैदा कर देता है ये फीचर। और दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर, यानी स्प्रेडशीट्स के अंदर, आप किसी सेल को, किसी रेंज ऑफ सेल को नेम असाइन नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी कॉन्स्टेंट को भी नेम असाइन कर सकते हैं, आप फॉर्मूलास को भी नेम असाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए हम आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको दो कॉलम नजर आ रहे हैं, एक है सब्जेक्ट का, जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, और ये है उन सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स। तो अब यहाँ पर मुझे इस कॉलम को, ये जो नंबर्स का कॉलम है, इसको एक नाम असाइन करना है। तो मैं किस तरह से करूंगी, मैं सबसे पहले जिस भी सेल्स को या फिर रेंज ऑफ सेल को मुझे नेम असाइन करना है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर मेन्यू बार में फॉर्मूलास के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं फॉर्मूलास के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, मेरे सामने एक मेन्यू आ जाएगा। अब इस मेन्यू में आपको एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा डिफाइंड नेम्स के नाम से। इसके अंदर आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा नेम मैनेजर। जब आप इस नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये वो विंडो है जहां से आप किसी भी सेल को, किसी भी नंबर ऑफ सेल्स को, फॉर्मूलास को, कॉन्स्टेंट्स को कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी इस तरीके की। ये वो विंडो है जिसके जरिए आप किसी भी सेल को कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेम के अंदर जो भी आप नेम असाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको नाम देना चाहती हूँ इस रेंज को मार्क्स का, तो मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया। इसके बाद जो नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्कोप का, स्कोप के माने ये है कि ये एक वर्कबुक है, इस वर्कबुक में आप एक से ज्यादा शीट्स भी बना सकते हैं। तो उन तमाम शीट्स में अगर आप इस नाम को दिखाना चाहते हैं,
तो ये इसका स्कोप इन तमाम वर्कबुक में मौजूद तमाम शीट्स पर होगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट के अंदर ही इसका स्कोप रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो मास, ये जो सेल्स हैं, इनका जो नेम है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट में ही नजर आए, तो उसके लिए आप उस शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वो है रेफर्स टू का, यानी ये जो आपने रेंज सिलेक्ट की है इसके अंदर कितने सेल्स आएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो रेंज सिलेक्ट की है इसके अंदर सेल B2 से लेकर B7 तक पर ये रेंज अप्लाई हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको उन सेल्स का रेफरेंस भी नजर आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर ओके कर दूंगी, तो जैसे ही मैं ओके करूंगी तो मेरे सामने जो है वो एक सेल्स को जो है वो नेम असाइन हो गया है मार्क्स के नाम से। अगर आप यहाँ पर देखें भी तो ये जो सेल सिलेक्ट हुए हैं इनका नेम बॉक्स के अंदर नेम भी आ रहा है मार्क्स, जबकि मैंने इस कॉलम को कोई नेम असाइन नहीं किया है, तो जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर इसका कोई भी नेम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी एक सेल या एक से ज्यादा सेल्स को नेम असाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने नेम असाइन करना सीख लिया, अब बारी आती है कि क्या आप उन नेम्स को फॉर्मूला के अंदर एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने नेम असाइन नहीं किया है, और फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि मैं इन तमाम नंबर्स का सम करना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगी इक्वल्स टू सम, और सम के बाद मैं लिख दूंगी B3 से लेकर B7 तक के सेल्स के एड्रेसेस को, B3:B7, यानी B3 से लेकर B7 तक के जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में पड़ी वैल्यूज को सम कर दे। एक तो मैं ये फॉर्मूला लिखूंगी क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सेल्स को एज अ रेफरेंस यूज किया है, यानी सेल एड्रेसेस को एज अ रेफरेंस यूज किया है। अब मैं चाहती हूँ जो मैंने नेम असाइन किया है उसको एज अ रेफरेंस यूज करना, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगी, उसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल्स टू का साइन वैसे ही सम, और सम के बाद दोस्तों अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है और मैं यहाँ लिखूंगी मार्क्स, क्योंकि ये जो मैंने तमाम सेल्स हैं इनको नाम दिया है मार्क्स का, तो जैसे ही मैं एम लिखूंगी ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पर आपका ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मार्क्स शो हो जाएगा, ये कहलाता है इसको। दोस्तों अगर मैंने शीट वन पर सिर्फ शीट वन का स्कोप चूज किया होता तो ये शीट वन में ही नजर आता, लेकिन मैंने वर्कबुक के अंदर यानी स्कोप जो है इसका वर्कबुक चूज किया है, तो अब जितनी भी शीट्स मैं इस वर्कबुक में बनाऊंगी उन तमाम शीट्स में मुझे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये मार्क्स नजर आएगा। अब मैं इसके ऊपर ये इस मार्क्स पर डबल क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगी। दोस्तों देखिएगा अगर तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, विच मीन्स के हम जो है वो दोनों चीजों का एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, हम सेल के एड्रेसेस को भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, और जो हमने इन एड्रेसेस को इन सेल्स को जो नेम असाइन किया है उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब इन दोनों सेल्स का आंसर सेम है, यहाँ पर मैंने इन सेल्स का नेम जो असाइन किया है वो यूज किया है, और यहाँ पर मैंने जो इन सेल्स के एड्रेसेस हैं वो असाइन किए हैं, मतलब वो लिखे हैं एज अ रेफरेंस। तो इस तरीके से आप किसी भी एक सेल को या फिर एक से ज्यादा सेल्स को रेफरेंस असाइन, सेल्स को नेम असाइन। दोस्तों सेल या फिर रेंज ऑफ सेल के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मूलाज को भी नेम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इन तमाम सेल्स को B3 से लेकर B7 तक के सेल्स में पड़े नंबर्स को सम करवाना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए इस फॉर्मूला लिखूंगी इक्वल्स टू सम B3:B7, यानी मैं इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं बस एक नाम, इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं एक नाम दे दूँ, तो उसके लिए मुझे इसको नाम असाइन करना होगा। तो वो मैं कैसे करूंगी, मैं सबसे पहले इस फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन ब्लॉक्स में जाऊंगी, डिफाइन ब्लॉक के अंदर नेम मैनेजर पर क्लिक करूंगी। नेम मैनेजर पर क्लिक करते ही पहले जैसी विंडो जो कि पहले आई थी वो आपके सामने आ जाएगी, आप न्यू पर क्लिक करेंगे। अब न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ब्लॉक आ जाएगा। दोस्तों आप इस फॉर्मूला को क्या नेम देना चाहते हैं, यानी जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका रेफरेंस क्या देंगे, किस नाम से उसे रेफर करेंगे, वो नाम आप यहाँ पर देंगे। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ total_marks, ये मैंने इस फॉर्मूले को नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पर स्कोप के अंदर अगर मैं पूरी वर्कबुक के अंदर तमाम शीट्स के अंदर इसको शो कराना चाहती हूँ तो मैं वर्कबुक सिलेक्ट करूंगी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर शीट के अंदर शो कराना चाहती हूँ तो मैं उस शीट का नाम सिलेक्ट करूंगी। दोस्तों अब ये जो रेफर्स टू है ये है असल चीज, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है आपका पूरा फॉर्मूला जिसके बिहाफ पर आप ये नेम लिखेंगे, यानी आपको वो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, बस आपको ये नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले
बैकस्पेस की, इसको सिलेक्ट करने के बाद बैकस्पेस की दबाऊंगी तो ये पूरा मिट जाएगा। अब मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, उसके बाद सम लिखूंगी, यानी जो मेरा पूरा फॉर्मूला मैं वहां पर लिखने वाली थी वो लिखूंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं यूज करूंगी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, यानी मैं यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स के साथ डॉलर का साइन लगाऊंगी। मैं लिखूंगी डॉलर बी डॉलर थ्री, यानी ये मैंने लिख दिया बी थ्री सेल। उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगी, फिर दोबारा से लिखूंगी डॉलर बी डॉलर सेवन। इस तरीके से दोस्तों अब इन तमाम सेल्स को प्लस करने के लिए, सम करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है। और उस फॉर्म अब मुझे हर जगह पर ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, बल्कि सिर्फ मैं इस ये नाम लिखूंगी और ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर देगा उसका फॉर्मूला। ये देखिए मैं जैसे ही ओके करूंगी, अब यहाँ पर ये इसका एक नेम्ड असाइन हो गया है इस फॉर्मूले को। दोस्तों अब मैं इस टोटल की जगह सम बी थ्री कॉलन बी सेवन नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं यहाँ पर लिखूंगी इक्वल्स टू के बाद मैं लिखूंगी टोटल। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आपको ये टोटल मार्क्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अब पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है, जो कि मैंने बी थ्री से लेकर बी सेवन तक की उस फॉर्मूले में सिलेक्ट की थी। अब जब मैं ओके करूंगी तो आप देखिएगा कि इन तमाम सेल्स में पड़ी वैल्यूज आपस में सम हो जाएंगी, और इनका सम आ गया है 369। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है सम बी थ्री टू बी सेवन, बल्कि मैंने सिर्फ एक उस फॉर्मूले को जो नेम असाइन किया था वो नेम यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से आप सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, फॉर्मूलाज को भी नेम असाइन कर सकते। और फ्रेंड्स एक और अहम बात, इस नेम मैनेजर की विंडो के जरिए आप पहले से मौजूद किसी भी सेल को अगर आपने नेम असाइन किया है, किसी भी चीज को आपने अगर नेम असाइन किया है एमएस एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसको एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आप उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट में जाकर उसका नेम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप उसकी जो आपने रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यानी आप उस जो आपने नेमिंग असाइन की है उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप इस नेम मैनेजर के अंदर मौजूद एडिट के ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नेम को डिलीट करना चाहते हैं, आपने रेंज सिलेक्ट की है, उसको नेम असाइन किया है, अब आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब मेरी इस वर्कशीट के अंदर किसी भी सेल को नेम असाइन नहीं हुआ है, मैंने सबको डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप न्यू सेल्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, पहले से मौजूद नेम अगर आपने किसी चीज को असाइन किया है तो उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से कोई नेम बनाया हुआ है, किसी भी चीज को आपने नेम दिया हुआ है, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेम रेंजेस। अगले लेक्चर में आप एमएस एक्सेल के अंदर किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर पेस्ट के बहुत से ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हम इसमें सेल्स को भी पेस्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी सेल्स में मौजूद फॉर्मूला का पेस्ट कर रहे होते हैं, कभी डाटा को पेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें पेस्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन तमाम ऑप्शंस को आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी टेक्निक्स आपको अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।